आप देख रहे हैं दहशत, मैं हूं कोमल तिवारी। कानपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जो रिश्तों की हदें और इंसान की मानसिकता दोनों को चुनौती देता है। यह कहानी है एक देवर और भाभी की, जिनकी लव स्टोरी न केवल पुलिस को बल्कि पूरे शहर को हैरान कर दिया। जानिए इस खास रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला। कानपुर में एक महिला ने पहले अपनी पति की हत्या की, फिर उसे पूरी तरह से छुपा कर रखा। पति की हत्या के बाद दिन में ढाबे पर काम करती थी और शाम को बागेश्वर धाम में सेवा करती दिखती थी। उसकी यह गतिविधियां इतनी सामान्य थी कि कोई भी इस पर शक नहीं कर सका। लेकिन 8 महीने बाद पुलिस की तफ्तीश ने इस मामले का पर्दाफाश किया। जांच में यह बात सामने आई कि भाभी और उसका देवर एक दूसरे के करीब आ चुके थे और दोनों ने मिलकर पति की हत्या की योजना बनाई। हत्या को अंजाम देने के बाद उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा पर्दा डाला कि कोई भी इस साजिश का अनुमान नहीं लगा सका। हालांकि पुलिस ने जब इस मामले की गहन से जांच शुरू की तो सच्चाई सामने आई और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि अपराधियों को कड़ी सजा दिलवाने के लिए वो पूरी तरह से काम कर रहे हैं। हालांकि यह मामला रिश्तों में विश्वास को चुनौती देती है, तो वहीं दूसरी तरफ यह भी बताती है कि कभी कभी हमारे आसपास के लोग सच्चाई को छुपा के रखते हैं। कानपुर की इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि रिश्तों में कई बार वह चीजें होती है जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन यह मामला हमारे समाज में रिश्तों के प्रति सतर्कता बरतने का एक बड़ा संदेश भी देता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए NBC भारत के साथ। नमस्कार।